कितनी सारी बातें होती है ना, जिनका शायद हम जिक्र भी ना कर पाए। और आज के टाइम पे किसी के पास समय कहाँ। लेकिन आप फिक्र ना करें, क्योंकि हम लेकर आए हैं ऑल टाइम आपका फेवरेट शो, आओ बातें करें। बातें जो है आपके और मेरे दिल के बेहद करीब। तो ऐसी ही बहुत सारी बातें करने के लिए जुड़िए हमारे साथ लाइव प्रोग्राम में। तो कॉल करने के लिए नंबर डायल करें 01724784401। राम राम। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम जी। स्वागत है आपका हरियाणा बीट्स के स्पेशल प्रोग्राम आओ बातें करें। बातें वो जो होती हैं आपके दिल के और हमारे दिल के बेहद करीब। वो बातें जो सोचते हैं आप लेकिन किसी से कह नहीं पाते। वजह चाहे कोई भी हो, शर्माते हो आप या हिचकिचाते हो या फिर कोई और अनदर वजह हो, लेकिन फिर भी आप वो बातें आपके दिल की किसी गहराई में छुपी रह जाती है। तो हम कोशिश करते हैं कि इस प्रोग्राम के माध्यम से वो सारी बातें आप हमारे साथ करें, इसलिए हम ये प्रोग्राम लेकर आए हैं आओ बातें करें। तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है तो वो बातें आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा जो बातें होती हैं जो आपके जीवन से रिलेटेड होती हैं, वो घटनाएं जो आपके आसपास आप देखते हैं, आपके जीवन से रिलेटेड हैं, आपके समाज से रिलेटेड हैं, या फिर वो घटनाएं जो टीवी पर आजकल ट्रेंडिंग में चल रही हैं, तो इस तरह का कोई भी टॉपिक जो समाज से रिलेटेड हो तो हम भी वो टॉपिक भी डिस्कस करते हैं। तो फिलहाल जो कोरोना का जो ये दौर चल रहा है, महामारी चल रही है, तो इस दौरान हम कोशिश करते हैं कि जो एंटरटेनमेंट की जो आपका अब जो दरिया टीवी बन चुका है, तो वो जरिया वो जो उसमें थोड़ी सी कोई भी किसी प्रकार की कमी ना आए, तो इसलिए कोशिश करते हैं कि हम इस टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आपका एंटरटेनमेंट करते रहें। तो आज का जो टॉपिक हमने चुना है वो है कि आपका जो वीकेंड जो गया है लास्ट, अभी कल जैसे संडे था उससे पहले सैटरडे, तो दो दिन आपके कैसे बीते हैं। तो आप हमें जो स्क्रीन के ऊपर नंबर जो चल रहा है उस पर कॉल करके बता सकते हैं कि आपका ये जो दो दिन आपने क्या किया, कैसे बीते और कितना अंतर आ गया है। कि पहले जब भी आप वेट करते थे हम, जैसे कि सैटरडे संडे आएगा, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो वो वाला सैटरडे संडे और ये वाला सैटरडे संडे, तो ये वीकेंड कैसा गया और कितना अंतर अब इस वीकेंड में आ चुका है, तो सारी बातें आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, तो उसके अलावा आप अपने बारे में भी आप बता सकते हैं। खैर, इसी के साथ हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? देव। देव, कहाँ से बात कर रहे हो देव? कहाँ से बात कर रहे हो देव? नजफगढ़। नजफगढ़ से देव बात कर रहे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो देव? सिक्स्थ क्लास में। यस सर। अच्छा, तो ये बताओ कि सैटरडे और संडे को क्या किया आपने, कल और परसों, दो दिन में? अच्छा, मम्मी पापा का दिमाग खराब कर रखा है, पीछे से मुझे आवाज में सुनाई दे रही है। तो अब तो बच्चे बड़े शरारती होते हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि जब भी छुट्टी होती थी तो बड़े ही होते थे। अच्छा, तो देव और कौन कौन है घर में आपके? मम्मी पापा बहन भाई। अच्छा, मम्मी पापा बहन भाई। अच्छा, तो भाई के साथ क्या मतलब झगड़ा वगैरह करते हो क्या, इसलिए कह रहे हैं क्या घर वाले? नहीं। और ज्यादा शरारत करते हो? फिर क्या, ज्यादा शरारत तो नहीं करते ना? नो सर। बड़ी अच्छी बात है। और देखो, पढ़ाई अब क्योंकि डिस्टर्ब हो रहे, तो पढ़ाई में अब छूटनी नहीं चाहिए, जो आदत बनी है उसको आप कंटिन्यू रखिएगा, पढ़िएगा ध्यान से, ठीक है? यस सर। ओके, चलिए देव, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। तो नजफगढ़ से देव जो सिक्स क्लास में पढ़ रहे हैं, और मैं साफ साफ मुझे सुनाई दे गया कि पीछे से पता नहीं, आई थिंक उनकी मोम थी या दादी थी, जो कि ऐसे वो डांट रही थी, कह रही कि क्या करते, कुछ नहीं करते, बस पूरा दिन खेलते रहते हैं, दिमाग खराब कर रखा है इन्होंने। तो यही होता है क्योंकि बच्चे अक्सर, क्योंकि खैर हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी सर। हाँ, क्या राम राम जी, क्या नाम है आपका? सर मनीष नाम है सर मेरा। मनीष जी, कहाँ से बात कर रहे हो? सर जुलाना से बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, जुलाना से मनीष जी बात करें, क्या करते हो मनीष जी आप? सर मैं तो ये अपना मिस्त्री के पास काम करता हूँ, टाइलों का। अच्छा अच्छा, टाइलों का काम करते हो आप, तो फिलहाल काम धंधा स्टार्ट हो गया?
क्या सर? जो काम धंधा स्टार्ट हो गया अब? हाँ जी हाँ जी, काम धंधा स्टार्ट हो गया। तो किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है ना? जैसे नहीं सर, अभी तो मतलब परेशानी वाली इतनी कोई दिक्कत है नहीं, पहले से मतलब बेहतर अभी है। अच्छा, तो जो ऑर्डर है जो लेने आ रहे हैं, जो टाइल्स वगैरह खरीद रहे हैं लोग अभी? हाँ जी बिल्कुल, ऑर्डर आ रहे हैं अभी। चलिए बड़ी अच्छी बात है, और ये भी जरूरी भी है। तो जैसे अब जो काम मतलब जैसे व्हीकल वगैरह, जैसे आप गांव से आते होंगे तो ऐसा कुछ कोई परेशानी तो नहीं होती ना आने जाने में ऐसे रस्ते? नहीं, आने जाने कोई ऐसी परेशानी नहीं होती। अच्छा, तो वहाँ पे कोई केस वगैरह तो नहीं ना आपके यहाँ जुलाना में? बिल्कुल ठीक है सब? नहीं जुलाना में तो नहीं है, बाकी जीन में तो है, एक दो केस मिला अभी नया। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसे सुनने में आया कि वहाँ पे खरेटी गाँव है, लजवाना और पोली, ये दो तीन जुलाना के आसपास के गाँव यहाँ पे कुछ केस आए हैं। तो बड़ी अच्छी बात है मनीष जी, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। थैंक यू जी। ओके, तो मनीष जी जुलाना से जो टाइल्स पे वहाँ पर काम करते हैं और जो काम धंधे हैं वो बिल्कुल रुके हुए थे। और हम भी हमारे दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, देखिए अब क्योंकि जो इकोनॉमी है देश की वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, और जो कोरोना से अब हमें डरना नहीं है, बिल्कुल हमें सावधानी बरतनी, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें घर से बाहर निकल कर काम करना भी जरूरी है। क्योंकि अगर काम रखा रहेगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? इतनी जो इकोनॉमी है वो इतनी जो दिन प्रतिदिन डाउन होती जा रही है, तो उसको भी उठाना उतना ही जरूरी है। अगर इकोनॉमी हाई नहीं जाएगी तो जो करोड़ों लोग हैं उनका रोजी रोटी कैसे चलेगी? तो जितना भी हमें कोशिश करनी है कि हमें कोरोना से डरना नहीं है, अब हमें इसका बिल्कुल डट के सामना करना है, और हमें कोशिश करनी है कि जितने भी हो सके हमारे जो काम होते हैं उनको कंटिन्यू रखना है। अगर आप ऑफिस में काम करते हो तो कोशिश कीजिए कि डेली आप ऑफिस जाएं। खैर इसी के साथ हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए। हेलो। हेलो, हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम पवन कुमार है जी। पवन कुमार? मनीष तोमर है जी। हैं? मनीष तोमर। मनीष तोमर? यस सर। अच्छा मनीष तोमर जी, कहाँ से बात कर रहे हो? हम मुजफ्फरनगर यूपी से बात कर रहे हैं जी। अच्छा मुजफ्फरनगर से मनीष तोमर जी बात कर रहे हैं। क्या करते हो मनीष, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं सिक्स्थ क्लास में पढ़ता हूँ सर। अच्छा सिक्स्थ क्लास में पढ़ते हो। अच्छा तो पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? पढ़ाई अच्छी चल रही है सर। अच्छा अच्छी चल रही है। अच्छा तो बताइए, तो जो सैटरडे संडे गया इस बार का, आपने क्या कुछ किया पिछले दो दिनों में? हमने कुछ भी नहीं किया, बस पतंग उड़ाई और पबजी खेला। अच्छा पतंग उड़ाई और पबजी खेलते रहे हैं सर। चलिए अच्छा, तो आपकी गली में बिल्कुल ऐसा कुछ कोरोना वरना कुछ केस तो नहीं है ना बिल्कुल भी? नहीं सर है। है केस वहाँ पे? यस सर। अच्छा अच्छा, तो इस तरह से कुछ सील वगैरह कर रखी होगी आपकी जो गली मोहल्ला फिर वो है? नहीं वहाँ से नहीं है सर, दूर है। अच्छा आपके यहाँ से थोड़ा सा दूर है बट है वहाँ पे मुजफ्फरनगर में। चलिए अच्छी बात है मनीष, और आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, आपने अपने जो जानकारी शेयर की, थैंक यू सो मच मनीष तोमर जी। तो मुजफ्फरनगर से मनीष तोमर वहाँ का जो मुजफ्फरनगर का हालचाल बता रहे थे कि वहाँ पे कुछ केसेस हैं और उनकी गली फिलहाल वहाँ पे तो नहीं है इस प्रकार कोई भी केसेस हैं, और बड़ी अच्छी बात है। तो बच्चों का जो अब वीकेंड है वो बड़ा ही विचित्र मैं इसको कहूँगा, क्योंकि जिस तरह का जो पहले जो वीकेंड होता था सभी को इतना इंतजार होता था, चाहे वो ऑफिस में काम करता हो, चाहे वो स्कूल में पढ़ता हो, कॉलेज में पढ़ता हो, तो हर किसी का प्लानिंग होती थी कि खैर इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए। हेलो। हेलो, हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? नाइन्थ। अच्छा नाइन्थ क्लास में पूजा आप पढ़ते हो, कहाँ से बात कर रहे हो पूजा? बालसमंद। कहाँ पे पढ़ता है? हिसार से। बालसमंद हिसार। अच्छा अच्छा हिसार से पूजा। अच्छा तो पूजा बताओ कि जो सैटरडे संडे आपने क्या किया? मैंने सैटरडे संडे संडे को तो मैंने घर का काम भी, मम्मी को हेल्प करवाई, और मैंने स्कूल का काम भी किया। अच्छा अच्छा स्कूल का काम भी किया और मम्मी को हेल्प भी किया आपने। अच्छा तो और इसके अलावा आपने कोई और एंटरटेनमेंट कुछ खेल खेला हो? हाँ खेला है। क्या खेला? और घर पर कुछ बनाना सीखा है संडे सैटरडे को। अच्छा क्या बनाना सीखा आपने? मैंने बहुत कुछ सीखा अभी, बोतल कुछ वगैरह वगैरह चीजों से कुछ बनाना सीखा है। अच्छा जैसे कि किस तरह की चीजें सीखी आपने? मैंने झूमर सीखा है। अच्छा झूमर, ओके आपने झूमर सीखा है, और कुछ? मैंने और घर पे प्रैक्टिस की है। अच्छा। जैसे कि हम स्टेडियम में जाते हैं सुबह। हाँ बड़ी अच्छी बात है, और प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। और पूजा मैं कहना चाहूंगा कि आपकी आवाज बहुत ही मीठी है पूजा।
चलिए पूजा, आपकी आवाज बहुत ही मीठी है सच्ची। हाँ उस दिन भी आप कह रहे थे थैंक यू। अच्छा उस दिन भी कह रहा था मैं, बिल्कुल सही कह रहा था, क्योंकि देखो मैं मोस्टली सच ही बोलता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मेरे मुंह से झूठ ना निकले, और सच में आपकी आवाज बहुत मीठी है पूजा, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। तो हिसार से पूजा हमें बता रही थी कि सैटरडे संडे को उन्होंने काफ़ी कुछ मम्मी के जो काम है, जो दिन भर के जो काम होते हैं उनमें हेल्प भी किया, और उसके अलावा जो काफ़ी चीज़ें भी सीखी, बड़ी अच्छी बात है। और क्योंकि देखो जी लॉकडाउन चल रहा है तो फिलहाल लोग अब भी मतलब घरों में कैद हैं, तो कहीं ना कहीं अभी हमें कोशिश करनी है कि घर से हमें बाहर निकल कर काम जरूर करना है, और हर किसी को कोशिश करनी है कि जितने भी जो नियम हैं, जितने जो बनाए गए सोशल डिस्टेंस, खैर इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए। हेलो, हेलो। नमस्कार हाँ जी नमस्कार जी, जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यश शर्मा है। यश शर्मा, कहाँ से बात कर रहे हो? हम नोएडा से बात कर रहे अच्छा हैं। नोएडा से बात कर रहे हो। यश शर्मा कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? अच्छा हम 6th क्लास में पढ़ते हैं जी। 6th क्लास में पढ़ते हो। तो यश बताओ कि सैटरडे संडे को क्या किया आपने? सैटरडे संडे मैंने सैटरडे को अपना स्कूल का होमवर्क किया। अच्छा हमारी छुट्टी पड़ गई है स्कूल से हाँ हॉलीडे की, इस वजह से सैटरडे संडे मैंने होमवर्क किया स्कूल का। अच्छा, तो और खेल खेला कुछ? खेले क्या हाँ गेम खेला मैंने। खेले? मैंने अपनी कार चलाई रिमोट अच्छा वाली। अच्छा रिमोट वाली कार के साथ आप खेले, बड़ी अच्छी बात है। यस अच्छा, तो वहां पे नोएडा में तो बहुत सारे केसेस आ रहे, तो आप ऐसे घर के बाहर तो नहीं निकल रहे हैं ना अभी? नो सर अभी नहीं है। और देखो घर से बाहर नहीं निकलना बच्चों के को तो खासकर, और जो क्लासेज है फिर वो आपकी ऑनलाइन ही हो रही होंगी अभी तो फिर है? यस चलिए बड़ी अच्छी बात है। यस आप पढ़ते रहिए, और घर पे रहते तो माँ बाप का थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कि परेशान हो जाते हैं वो भी, बट आप हाँ उनकी हेल्प करिए, कहना मानिए। थैंक यू सो मच यस कॉल करने के लिए। तो नोएडा से यस बता रहे थे कि वहाँ नोएडा में वो फिलहाल जो सैटरडे संडे जो उनका गया वो पढ़ाई की, और उसके अलावा वो जो उनकी रिमोट की कार है वो कार चलाई, बड़ी अच्छी बात है। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि भी पीछे पहले जो हम सैटरडे संडे होते थे, चाहे वो जॉब करता हो, स्कूल में पढ़ता हो, कॉलेज में पढ़ता हो, तो हर किसी को इंतजार रहता था कि हम सैटरडे संडे को ये प्लानिंग बनाना स्टार्ट कर देते थे पहले ही कि हम ये जाएंगे वहाँ करेंगे, खैर इस पर हम बाद में कंप्लीट करेंगे। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए। हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार जी, नमस्कार जी। रवि क्या नाम है सर आपका? मैं रवि जी, कहाँ से बात कर रहे हो? आगरा से। जी आगरा से रवि जी बात कर रहे हैं। सर क्या करते हो आप? मैं मजदूरी करता हूँ। अच्छा मजदूरी करते हो, तो सर बताइए कि फिलहाल सर वहाँ पे आगरा में ऐसे काम धंधे फिर स्टार्ट हो गए हैं सर अभी कुछ? अभी तो खैर नहीं हुआ, थोड़े हल्के ही खुले हैं। अच्छा धीरे धीरे स्टार्ट हो रहे हैं फिलहाल, अभी तो कुछ हुआ नहीं है ऐसा, तो देखिए सर बिल्कुल, और हम भी चाहेंगे कि सभी को मतलब घर से बाहर निकल के काम धंधे करने चाहिए। अच्छा तो सर कुछ कहना चाहेंगे सर चैनल के माध्यम से सर? हेलो। हाँ सर कोई मैसेज देना चाहेंगे सर आप? यही मैसेज था अच्छा, काम धंधे में अभी प्रॉब्लम ही है। हाँ बिल्कुल सर, काम धंधों में प्रॉब्लम नहीं है, और धीरे धीरे काम धंधे भी अब खुल रहे हैं, और सबको काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच रवि जी हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। तो आगरा से रवि जी जो बता रहे थे कि धीरे धीरे वहाँ पर काम धंधे अब स्टार्ट हो रहे हैं आगरा में, बड़ी अच्छी बात है। और देखो हम बार बार हमारे दर्शकों से कह रहे हैं कि देखिए अब कोरोना से अब हमें कोशिश करनी कि कोरोना से जो जंग है वो जारी तो रहेगी, हम कुछ नहीं कह सकते कि कितनी लंबी और चलेगी, बट हम हमें घर में रह के बिल्कुल नहीं बैठना है, हमें घर से बाहर निकलना है और काम करना है, क्योंकि जो देश की इकोनॉमी है उसकी वजह से, देखो अगर ही कोरोना की वजह से मरे ना मरे लेकिन भूख की वजह से नहीं मरना चाहिए। खैर इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए। हेलो हेलो। हाँ जी क्या नाम है आपका? फाइल नाम है सर साहिल रेडू। साहिल रेडू, कहाँ से बात कर रहे हो? हम कंडेला से बात कर रहे हैं सर, जिला जींद। अच्छा हाँ जींद कंडेला से आप बात कर रहे हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? अच्छा 6th में पढ़ते हैं सर। 6th क्लास में पढ़ते हो साहिल। अच्छा तो साहिल बताओ कि वहाँ पे आपने जो सैटरडे संडे जो गया क्या कुछ किया आपने? हमने जी जो ये बिन बोलने वाले पशु जैसे गाय कुत्ता हमने इनकी मदद करी सर। अच्छा कैसे मदद की आपने इनकी? जैसे पानी पिया सर, रोटी खाई, चोट लग रही है दुआई लगाई सर। बड़ी अच्छी बात है साहिल, और इतनी कम उम्र में भी आप इस तरह के जो सामाजिक काम है, जिस तरह दूसरों के लिए प्रेरणादायक काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है साहिल, ऐसे आप करते रहे। अच्छा तो साहिल आपके परिवार में और कौन कौन है? मम्मी है, पापा है, दादी है। मम्मी पापा दादी, तो भाई बहन अकेले हो आप?
हाँ अकेले हैं सर। चलिए अच्छी बात है, और दादा दादी और का बिल्कुल कहना मानिएगा, और मम्मी पापा की भी आप काम में भी मदद कीजिएगा। बड़ा अच्छा लगा साहिल आपसे बात, थैंक यू, शुक्रिया। तो जीन से साहिल जो कि 6th क्लास में पढ़ते हैं, और देखो कितनी अच्छी बात है कि बेजुबान पशु है, चाहे वो जानवर है, गाय है, खागड़ है, और इस तरह से जो बेजुबान जानवर है उनका पानी पिलाना, चारा खिलाना, इस तरह से करेंगे। और गर्मी में सबसे बहुत ही मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा जो पुण्य का काम होता है गर्मी में, किसी को पानी पिलाना होता है। अगर आप देखो इंसान होता है वो तो बोलकर भी मांग लेता। खैर हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। हेलो हाँ जी हेलो, जी, लाइव शो में बात करनी है। बिल्कुल सर, आपकी लाइव शो में बात हो रही है। सर क्या नाम है आपका? मेरा मनदीप झा जी। अच्छा मनदीप जी, कहाँ से बात कर रहे हो? मैं कठुरा से। अच्छा कथुरा गांव से आप बात कर रहे हो, ये जो गोहाणा के पास पड़ता है, क्या? गोहाणा के पास जो कथुरा गांव पड़ता है वहां से बात कर रहे हो आप? हाँ जी। अच्छा तो बताइए मनदीप जी, सॉरी मनदीप है, मनजीत? मनदीप अच्छा जी। हाँ मनदीप जी, क्या करते हो आप? मैं जी कुछ नहीं करता। अच्छा क्यों, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते? पढ़ाई करता हूँ जी। अच्छा पढ़ाई करते हो पर कुछ नहीं करते फिर हैं? फिर अब तो जी लॉकडाउन हो रहा है, अब कैसे पढ़ाई करें? अब तो फोन पे करते तो करते अच्छा, हैं। ऑनलाइन ही पढ़ाई हो रही है फिलहाल तो है। हाँ जी। अच्छा तो बताइए कि जो सैटरडे संडे गया तो क्या कुछ किया आपने? उस जी गेम खेला, पबजी। अच्छा पबजी गेम खेलते रहे पूरा दिन घर में है? हाँ जी। अच्छी बात है, कुछ काम धंधा और भी किया करो। खेत हाँ चलिए अच्छी बात है मंदीप जी। चलिए कथुरा गांव जो पड़ता है ये बड़ौदा के पास पड़ता है, हमारे दर्शकों को बता दें, जो बड़ौदा हल्का है और गोहाना सोनीपत, तो ये उस वहाँ पे पड़ता है कथुरा गांव। और मैं बताना चाहूँ कि वहाँ के जो स्पोर्ट्स जो खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे अच्छे जो खिलाड़ी वहाँ उस गाँव से निकल कर आते हैं, और वो आगे चलकर जो देश का नाम रोशन करते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि इस तरह से गाँव से भी हमारे कॉलर हमें सुन रहे हैं। खैर हमारे इसी के साथ एक और कॉलर जुड़ गए। हेलो, हेलो हाँ जी नमस्कार जी। जी, हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? रोहित, रोहित कहाँ से बात कर रहे हो? पानीपत से। मैं अच्छा पानीपत से रोहित जी बात कर रहे हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो रोहित आप? आई थिंक कॉल डिस्कनेक्ट होगी, और हम हमारे जो दर्शक हैं जितने भी उनको बताना चाहेंगे कि आप जब भी हमें कॉल करें तो कृपया करके टीवी से दूरी का आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर पीछे अगर वॉल्यूम आपके टीवी का हाई रहेगा तो आपकी आवाज़ है वो हम तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगी। खैर इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार जी, आप लाइव टीवी से बोल रहे हो जी? बिल्कुल लाइव टीवी से बोल रहा हूँ, क्या नाम है आपका? अनूप। अनूप जी कहाँ से बात कर रहे हो? टांग से। कहाँ से बात कर रहे हो अनूप? हेलो, हाँ अनूप जी कहाँ से बात कर रहे हो आप? कहाँ मुझे बिल्कुल नहीं ऐसा समझ में आया, कहाँ कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, और हमारे दर्शकों हम बोलते रहते हैं कि जब भी आप कॉल करें तो पीछे का किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस ना रखें, क्योंकि अगर आवाज़ें पीछे से अगर आती रहेंगी तो हम आपको प्रॉपर तरीके से नहीं सुन पाएंगे। और अगर आप जो भाई बात आप कहना चाहते हैं अपने टीवी के माध्यम से दर्शकों तक पहुँचाना चाहते हैं, खैर इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए। हेलो, हेलो, हाँ जी गुड नमस्कार, आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, क्या नाम है आपका? कृष्ण। कृष्ण जी कहाँ से बात कर रहे हो? डबल हरियाणा से। अच्छा डबवाली से आप बात कर रहे हो। अच्छा तो कृष्ण कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 6th क्लास में। अच्छा 6th क्लास में पढ़ते हो, तो बताओ कृष्ण कि आपने जो ये सैटरडे संडे गया तो क्या कुछ किया आपने? कुछ नहीं किया वैसे। अच्छा पढ़ाई वढ़ाई नहीं की? पढ़ाई आती नहीं है। पढ़ाई आती नहीं? अच्छा पढ़ना चाहिए, अगर अभी नहीं आएगी तो कब आएगी है कृष्ण? हेलो, हेलो। हाँ तो कृष्ण पढ़ाई किया करो और मम्मी पापा का भी कहना माना करो। आपका कॉल होल्ड पर है। तो इसी के साथ कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। और जो कृष्ण जी हैं, देखो हम हमारे दर्शकों कितनी बार बोलते रहते हैं कि जब भी आप हमें कॉल करें तो प्लीज़ जो टीवी का वॉल्यूम है उसको थोड़ा सा कम रखें। अब भी देखिए कि वो मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ, तो काफ़ी बड़ी दिक्कत होती है। और सच बताऊँ तो जब आप इसको टीवी पर देखते हो तो आपको भी अच्छा नहीं लगता। खैर इसी के साथ हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए। हेलो, कॉल डिस्कनेक्ट होगी, आप दोबारा कोशिश कीजिए और आपकी कॉल जरूर लग जाएगी। तो आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप हमें कॉल करें तो टीवी से आप थोड़ी सी दूरी बनाए रखिए, या
या फिर जो टीवी का जो वॉल्यूम है उसको आप कम कर दीजिए। और बताना चाहेंगे कि हमारे बहुत से दर्शकों को ये रहता है कि उस वक्त जब आप कॉल कर रहे होते तो टीवी पर आवाज नहीं होती, तो लाइव का जो थोड़ा सा गैप होता है क्योंकि जब फाइबर के जरिए या फिर सेटेलाइट के जरिए आपके घर तक पहुंचता है तो थोड़ा सा 2 मिनट का गैप रहता है। तो इसी के साथ हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए। हेलो हेलो, ये टीवी वाला बंदा तो कौन बोलता है भाई, लाल टी शर्ट में? सर बिल्कुल सर, ये टीवी वाला लाल टी शर्ट वाला बंदा ही बोल रहा है सर। क्या नाम है आपका? सर मैं कुमार बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल लाइव शो में बात कर रहा हूँ सर। थोड़ा सा 2 मिनट का गैप होता है तो इसलिए आपको लग रहा है सर, आप 2 मिनट बाद फोन काटोगे तो आपको मेरी आवाज सुनाई दे जाएगी। तो क्या नाम है सर आपका? सर भाई अंकुश नाम है। अंकुश जी कहाँ से बात कर रहे हो? ना बस बहुत बहुत धन्यवाद, और जीन से बड़ा अच्छा लगता है, जीन से अगर कोई वहाँ से कॉल आती है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो क्या करते हो अंकुश जी आप? क्या करते हो अंकुश जी आप? अच्छा खेती बाड़ी, तो खेती बाड़ी कैसी है अभी, जो धान वगैरह की फसलें पौध वगैरह तैयार हो गई अभी? हाँ सब रेडी है। अच्छा सब कुछ रेडी है, तो अभी अब की बार थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है मजदूरों की, क्योंकि अभी मजदूर तो मिलने मुश्किल होंगे तो खुद ही लगाने पड़ेंगे अब की बार तो है। चलिए अब अंकुश जी को उनकी आवाज सुनाई दे गई है और आई थिंक वो यही सुनना चाहते थे। तो बिल्कुल अब जैसा कि बता रहे थे कि जिनसे बात करें, और बिल्कुल किसानों को अब की बार थोड़ी सी परेशानी हो सकती है क्योंकि जितने भी मजदूर भाई हैं हमारे वो सब के सब अपने घर जा चुके हैं, तो अब जो धान की है वो पौध है वो बिल्कुल तैयार है और अब लगाने के लिए मजदूर नहीं मिलेंगे, तो लोगों को काफ़ी किसानों को बड़ी परेशानी होने वाली है। जो छोटे किसान हैं वो तो फिर भी लगा लेंगे, लेकिन जो किसान जो 8-10 या उससे भी ज़्यादा खेती करते हैं उतनी ज़्यादा ज़मीनों पर, तो उनको बहुत ही परेशानी होने वाली है। खैर देखते हैं अब क्या करते हैं, तो इसीलिए हम बार बार भी अब रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि जो कोई भी अब टीवी देख रहा है, हमारे दर्शक जितने भी हैं कोई मजदूर भाई है, तो हम भी कहना चाहेंगे कि देखिए अब घर पे बैठे काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा, तो कोशिश कीजिए कि घर से बाहर निकले, सेफ्टी के साथ निकलिए लेकिन काम जरूर कीजिए। आप काम करेंगे, देखिए मान लीजिए अगर आप काम करते हैं, अगर जैसे क्योंकि जितने भी मोस्ट ऑफ कंपनीज हैं क्या हो रहा है कि जैसे अब छटनी स्टार्ट हो गई है क्योंकि अब जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी सेलिंग नहीं हो पा रही, और सेलिंग ना करने की वजह क्या होती है, क्योंकि जो जितने भी मिडिल क्लास के लोग हैं या फिर जो बिल्कुल जो छोटे लोग हैं मजदूर भाई हमारे जो गरीबी रेखा से नीचे, तो वो खैर इस पर हम आपको बाद में बताएंगे। तो कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार। नमस्ते भाई। नमस्ते जी, क्या नाम आपका? संतोष देवी। संतोष देवी जी कहाँ से बात कर रहे हो? रोहतक से। रोहतक से, क्या करते हो संतोष जी आप? मैं तो भाई घर का काम करती हूँ, रोटी पानी बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ। अच्छा अच्छा घर का ही काम करते हैं आप। अच्छा तो वहाँ पे रोहतक में तो जिस तरह के इतने जो केसेस आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपके ऐसे मोहल्ले गली में तो ऐसा कुछ नहीं है ना? ना हमारे पास तो है नहीं, तो दूर दूर है जी। हाँ क्योंकि रोहतक में तो क्योंकि कुछ दिनों से लगातार वहाँ पे बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं। अच्छा तो घर में फिर अब बच्चे बच्चे हैं आपके वहाँ पे घर में? हेलो, मेरा पोता बड़ा हो रहा है, 10वीं में हो रहा है। अच्छा अच्छा तो पोता है, तो फिर शरारत वरारत तो नहीं करता या करते हैं शरारत घर पे रहते होंगे तो पूरा दिन है? हाँ घर पे रहते हैं। हाँ तो संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता होगा बच्चों को ऐसे पूरा पूरा दिन ऐसे है। हाँ ना वैसे तो घूम कर आते हैं सुबह शाम तो। अच्छा अच्छा चलिए अच्छी बात है संतोष जी, और बिल्कुल सेहत का ख्याल रखना आप भी। थैंक यू सो मच शो में कॉल करने के लिए। तो रोहतक से संतोष जी बता रहे थे कि रोहतक में काफ़ी केसेज तो आ रहे हैं, बट वहाँ की उनकी जो गली मोहल्ला है वो बिल्कुल शेप, बड़ी अच्छी बात है। और बिल्कुल भी जैसे कि हम कहते हैं कि बच्चों को आप कोशिश कीजिए घर से बाहर ना जाने दें, तो 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं और जिनकी 60 साल से उम्र है ज़्यादा, तो उनका ख्याल रखना सबसे ज़रूरी है। तो कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो, हाँ जी कोई खास वजह हंसने की? हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? सोबार लेवा। हाँ जी सोबार लेवा। कहाँ से बात कर रहे हो? दिल्ली से। अच्छा दिल्ली से बात कर रहे हो, क्या करते हो आप? मैं हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सोबार लेवा। सोबार लेवा कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? सोबार लेवा।
आई थिंक मुझे कॉल आवाज़ बिल्कुल प्रॉपर नहीं आ रही है, और प्लीज़ आप हम भी हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे कि जब भी आप कॉल करें तो नेटवर्क का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आवाज़ कट कट के आएगी, प्रॉपर नहीं आएगी, तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा और मैं सुन भी नहीं पाऊँगा फिर। तो आप भी कोशिश कीजिए, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि बच्चों का और बुजुर्गों का ध्यान रखना सबसे ज़रूरी है, और जैसे जो आज का हमारा जो टॉपिक है सैटरडे संडे, हम बिल्कुल ऐसे सोचा करते थे, प्लानिंग बनाया करते थे कि सैटरडे संडे को अगर आएगा ये करेंगे, तो बाद में बताएंगे। कॉलर जुड़ चुके हमारे साथ। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रतीक है जी। प्रतीक जी कहाँ से बात कर रहे हो? पिहोवा से। पिहोवा से प्रतीक जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th में। अच्छा, 9th क्लास में पढ़ते हो। तो प्रतीक बताओ कि सैटरडे संडे को क्या किया आपने? फोन चलाया सभी। अच्छा, फोन चलाया, मतलब पबजी खेलते रहे पूरा दिन है? हाँ जी। पागल, पढ़ाई भी? पढ़ाई क्यों नहीं की? पढ़ाई क्यों नहीं की? टाइम नहीं लगा जी। अच्छा, खेलने से टाइम नहीं लगा, इस वजह से पढ़ाई नहीं हो पाई, और सच में बड़ी ही मुश्किल घड़ी थी वो, पढ़ाई नहीं हो पाई। अच्छा, तो और घर का कोई काम वाम किया है? वो भी नहीं किया कुछ? हाँ जी। अच्छी, बिल्कुल गलत बात है प्रतीक, और जितने भी बच्चे हैं वो भी थोड़ा सा ध्यान रखिए कि पूरा दिन आप ऐसे फोन में ना लगे रहें। और थैंक यू प्रतीक, और आपने कॉल करके बताया, और बिल्कुल ये गलत बात मैं कहूँगा कि पूरा पूरा दिन ऐसे फोन में लगे रहना बहुत ही गलत है, आंखों में भी कमजोरी आती है, पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पाती, तो हेल्थ तो इफेक्ट होता है, साथ ही साथ आपका माइंड भी थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। तो ये आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि पूरा दिन, जैसे बच्चे अगर आपके घर में है तो वो कोशिश कीजिए कि फोन से थोड़ा सा दूर रहें तो अच्छा है, क्योंकि अब पढ़ाई है, पढ़ाई करनी है तो कर सकते हैं, क्योंकि अब पढ़ाई जो मोस्टली हो तो ऑनलाइन ही हो रही है, बट उसके अलावा और तरह की जो एक्टिविटी होती है तो उसमें आप कोशिश कीजिए कि फ़ोन से थोड़ा सा दूर रहें। कोशिश कीजिए कि जितने भी जो खेल होते हैं वो, जितने भी हेल्थ वाइज जो खेल, फिजिकल जो गेम होते हैं, कोशिश करें कि वो खेलें, चाहे घर में बिल्कुल थोड़ा सा स्पेस हो, बट तब भी बहुत सारे हमारे पास ऐसे ऑप्शन होते हैं जो हम घर पर खेल सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि इस तरह की खेल खेलिए, और क्योंकि जितना भी हम फिजिकल खेलेंगे तो हमारा माइंड भी स्ट्रांग होगा, हेल्थ भी स्ट्रांग होगा, और उतने ही हम कोरोना से लड़ने के काबिल बनेंगे। तो मैं सैटरडे संडे की जो बात कर रहा था, पहले हम इतनी प्लानिंग किया करते थे कि हम, कि जैसे ऑफिस से हम, जैसे हम खुद ऑफिस में आते तो सोचते थे कि यार ही सैटरडे संडे को घर पे जाएंगे, या फिर सैटरडे संडे को कहीं घूमने जाएंगे, दोस्तों से मिलेंगे, पार्टी करेंगे, तो इतनी सबको इतना इंतजार रहता था सैटरडे संडे का। बट अब जो सैटरडे संडे है वो अब बिल्कुल ही और दिनों की तरह सेम ही हो गए हैं, बट अब भी बिल्कुल आप कोशिश कीजिए, बट हम जान फिलहाल जो घड़ी है वो भी सारे करने लग गई है कि अब जाने का वक्त हो गया है, और बहुत से सारे जो दर्शक हमारे रह गए कि उनकी बात नहीं हो पाई, तो उनको बताना चाहेंगे कि आप बिल्कुल भी मत थोड़ा सा परेशान या फिर बुरा मानिएगा, क्योंकि हम कल ठीक 1 बजे आपसे फिर से रूबरू होंगे। तो ठीक 1 बजे आप भी अपने सारे काम निपटा के फ़ोन से बिल्कुल सट के बैठ जाना, और टीवी ऑन करके आप कॉल बिल्कुल फ़ोन हाथ में रखना, और 1 बजते ही आप हमें कॉल लगा देना। तो कल ठीक 1 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ, तब तक आप देखते रहिए हरियाणा वेट्स। राम राम। कितनी सारी बातें होती है ना, जिनका शायद हम जिक्र भी ना कर पाए, और आज के टाइम पे किसी के पास समय कहाँ, लेकिन आप फिकर ना करें, क्योंकि हम लेकर आए हैं ऑल टाइम आपका फेवरेट शो, आओ बातें करें, बातें जो है आपके और मेरे दिल के बेहद करीब। तो ऐसी ही बहुत सारी बातें करने के लिए जुड़िए हमारे साथ लाइव प्रोग्राम में। तो कॉल करने के लिए नंबर डायल करें 01724784401। राम राम, राम।